चलिए, हम लोग भारतीय वायुसेना के अग्निवीर वायु के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है, और आप लोग उम्मीद करते हैं वैकेंसी को फॉर्म को भर ही दिए होंगे, और उसी के प्रक्रिया में हम लोग जुड़े हैं आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 को लेकर के आपसे मिल रहे हैं। तो आइए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब बगैर समय को गमाए हुए। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित नहीं है, आपको इसमें भिन्न चुनना है, डिफरेंट चुनना है और चुनना है। ये देखिए, बनाना बनाना यानी किसी भी चीज को हम लोग बनाते हैं उससे रिलेटेड हुआ बनाना। स्टीम करना भी एक बनाने की प्रक्रिया है, सेकना भी एक बनाने की प्रक्रिया है, उबालना भी एक बनाने की प्रक्रिया है। यानी ये तीनों जो है इस बनाना में निहित है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बनाना यानी विकल्प इज द राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, विकल्प ए। आप लोग बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास भी है आप लोग समझ रहे हैं। चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो आपका 32 नंबर है, 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में यहां देखिए सोप को लिखा गया है। ये जैसा कि आपको पिछले क्लास में भी बताया हूं कि लेटर टू नंबर कोडिंग का क्वेश्चन अगर आ जाए तो किस तरह से बनाना है, तो आप देखिएगा यहाँ पर एस के लिए लिया गया है 19 बाएं से, ओ के लिए बाएं से 15, ए के लिए बाएं से 11 और पी के लिए बाएं से 16। यानी सारे लेटर का बाएं से पोजीशन रख दिया गया है कोड के रूप में। अब आप देखोगे ऑप्शन का ओ पी टी आई ओ एन, ऑप्शन ओ का होता है बाएं से पोजीशन 15, पी का होता है 16, टी का होता है 20, आई का होता है 9, ओ का होता है 15, एन का होता है 14। यानी 15, 16, 20, 9, 15, 14, 15, 16, 20, 9, 15, 14, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो गया विकल्प ए। इस क्वेश्चन का आंसर 32 का ए होगा। आप लोग समझ गए होंगे बाएं से पोजीशन लिया हुआ है लेटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है बाबू, मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन है, बनाइए इसको। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों से भी बनना चाहिए। यहाँ देखिए क्या है कि 6 4 में क्या करें जो 52 आ जाए। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं और 4 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 36 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 52। 52 यानी इन दोनों संख्या का वर्ग करके स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है 52। अब यहाँ देखिए 3 और 5 है, इसमें हम लोग क्या करें, 3 का स्क्वायर करें और 5 का भी स्क्वायर करें। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34 यानी 34 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हमको ये 68 लाना है, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 68 लाना है। तो अब आप क्या करोगे, 8 का स्क्वायर प्लस ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 68, यही होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, 68, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 तो क्वेश्चन मार्क जो होगा इसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट करेंगे तो 4 यानी आंसर क्या आ जाएगा, 2। और इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पर 2 लिख देते, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 4, 68 आपका निकल जाता। उतना लंबा करने की कोई ज़रूरत आपको थी नहीं, आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए हम वो लंबा कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम का। स्त्री बहन, स्त्री है बहन है और माता है। अब यहां देखिए ये बहन और माता दोनों स्त्री ही है, दोनों स्त्री ही है। अब बहन और माता में कंजुगेशन बनाइए, क्योंकि दोनों जो होगा, ये बहन और माता दोनों जो होगा सभी स्त्री के अंदर ही होंगे, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अब बहन और माता में देखिए, कुछ बहन माता जो होती है बहन होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। मान लिया जाए कोई लड़की अगर एक ही बहन है, एकलौती है, किसी माता पिता की अपनी एकलौती पुत्री, ना उसकी बहन कोई ना उसका भाई, तो किसी की बहन हो नहीं सकती है। बहन मतलब सगा बहन, यहाँ पर ये समझना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो गया
बना ली एक बहन और ये बना लिए माता का डायग्राम, कुछ माता बहन हो गई और कुछ बहन माता नहीं है, और ये दोनों क्या है स्त्री ही है। इस तरह से आप देख लीजिए किस विकल्प में है, वो विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर। ऐसा आपको विकल्प डी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर है, और सबसे ज्यादा एयरफोर्स वाले बच्चों को, चूंकि एकेडमिक में आप सब कुछ तो पढ़ते रहते हैं बाबू, सब कुछ पता होता है, लेकिन रीजनिंग कहीं भी एकेडमिक में पढ़ने को मिलता नहीं, एकदम नया चीज है आप लोगों के लिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं आपको सब कुछ बेहतर ढंग समझाता चलूंगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, इसमें जो है ये वाला जो देखिए इस तरह से दिया हुआ है, ये सीधा इस तरह से, ये थोड़ा तिरछा करके, इसमें दोनों समान तरह का है, तिरछा करके ही इसमें दोनों समान तरह का है, इसमें जो है दोनों समान तरह का ही है। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या था, दोनों में समान तरह का, इसमें भी दोनों में, ये दोनों समान तरह का है, ये दोनों समान तरह का है, इसमें भी दोनों समान तरह का है, लेकिन इसमें एक तिरछा वाला एक सीधा वाला भिन्न भिन्न तरह का है। आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प डी आ जाएगा। इसमें ये दोनों जो है भिन्न भिन्न तरह का है, इसमें दोनों सेम तरह का है, सेम तरह का है, सेम तरह का है। आंसर आ जाएगा विकल्प डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सीरीज का 36 नंबर है सीरीज का। आप लोग बनाइए इसको, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग से बनेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, और ऐसा क्वेश्चन कई एक बार बताए हुए भी हैं आपको, जब सीरीज में यहाँ क्या हुआ, कमा घट गया, यहाँ 3 से घट गया, फिर ये बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, ऐसा कंडीशन जब होता है तो हम लोग अल्टरनेट चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, क्या हो जाएगा आंसर 9, 2, 2, 4, 4, 2, 6, यानी अल्टरनेट में +2, +2 करके आया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प सी, आंसर सी। यहाँ पर देखिए ये +2 है, +2 है, +2 है, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यानी प्रत्येक पद में 2 जोड़ने पर अल्टरनेट पद आ रहा है, आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक कैलेंडर का क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए क्या दिया है, 5 फरवरी 2008 सोमवार, 5 फरवरी 2008 सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। एक चीज ध्यान रखना है, अगर तारीख और महीना समान हो जाए, यदि तारीख और महीना समान हो जाए, वर्ष का अंतर बहुत ज़्यादा होगा, कुछ नहीं करना बाबू, आप क्या करना, हायर ईयर माइनस लोअर ईयर, यानी 2018 में 2009 को घटा दिए। अब इसमें 2009 से 18 तक में जितना लीप वर्ष है उसको ऐड कर दीजिए। लीप वर्ष क्या होगा, 2009 के बाद 2012 लीप वर्ष, 2016-20 लीप वर्ष, उसके अलावा तो कोई लीप वर्ष होगा ही नहीं, यानी इनके बीच में 2 ही लीप वर्ष है, 2 ऐड कर दिए। अब इसमें 7 से भागा दिए, 7 से भागा इसलिए देते हैं कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर जो तारीख आता है वो सेम दिन होता है। यदि 13 तारीख सोमवार है, 7 जोड़ोगे 20 तारीख भी सोमवार ही होगा, 27 तारीख भी सोमवार ही होगा, यानी इस तरह से क्या होता है, प्रत्येक 7वां दिन जो होता है सेम दिन हो जाता है, इसलिए 7 से भागा देके इसके शेष फल पे काम करते हैं। अब देखिए इसमें घटाए तो आ गया 9 और +2/7, 9 2 हो गया 11, 11 में 7 से भागा दीजिए, शेष क्या बच गया, 4, ये क्या बचा, 7 एकम 7 कट जाएगा, 4 बच जाएगा शेष फल। अब उस शेष फल को क्या करना है कि हमको सोमवार में घटाना या जोड़ना है। बात क्या है कि ये दिया हुआ 2018 का, पूछ रहा है 9 का, यानी पहले का पूछ रहा है, पहले का पूछेगा तो घटाएंगे और बाद का पूछेगा तो जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना। उस 4 को क्या करना है, सोमवार में घटा दीजिए, सोमवार में 4 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, सोमवार में 4 घटाने पर गुरुवार आ जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन बनाइए, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, आप लोग बनाने का प्रयास करें। कूट भाषा में लिखा हुआ मेंड, मेंड को 3544 लिखा गया है, तो कर्व को क्या लिखा जाएगा ये ध्यान देना है। जैसे यहां देखिए एम ई एन डी, मेंड को लिखा गया है 3544। ध्यान से देखना बाबू, यहां पर जितना लेटर उतना ही नंबर, तो ये बाएं दाएं से पोजिशन का खेला तो होगा लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा इसमें। जैसे बाएं से पोजिशन होता है एम का 13, ई का 5, एन का 14, डी का 4। तो यहां देखिए बाएं से पोजिशन 13 का वंस प्लेस इकाई अंक 3, 5 का 5, 14 का इकाई अंक 4, 4 का 4। यानी बाएं से पोजिशन लेटर का बाएं से वर्णमाला क्रमानुसार लेटर का बाएं से पोजिशन के इकाई अंक से वंस प्लेस से कोड करके दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां कर्व को CURVE कर्व दिया हुआ, कर्व में यहां पर क्या है कि यहां पर C का होता है 3, U का होता है 21, R का 18, V का 22, E का 5, ये पोजिशन होता है। अगर इस पोजिशन के हिसाब से चलें, यहां देखिए क्या है 3 और 21 का इकाई अंक 1, 18 का 8, 22 का 2, 5 का 5, यानी 318-25 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बाएं से पोजिशन को इकाई अंक से कोड करके दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा 31825, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर, इसका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर, और 39 नंबर क्वेश्चन में आपका है सीरीज ही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए इसको, सीरीज है। देखिए यहाँ क्या है कि 14 यहाँ पर जोड़िए या 14 में गुना 2 कर दीजिए, 14 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा इसमें 28, 28 में फिर अगर हम 14 जोड़ दें तो हो जाएगा 42, ठीक है। अब देखिए सी में 9 जोड़ते हैं तो होता है एल, एल में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यू, आंसर क्या हो जाएगा यू 42 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ विकल्प ए में। लेटर में प्लस 9 करके, सी में 9 जोड़े एल, एल में 9 जोड़े यू, 14 में 14 जोड़े 28, 28 में 14 जोड़े 42, इसका आंसर क्या हो गया विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस डायरेक्शन का, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, अपने जज्बा को बरकरार रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। निकी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ जाती है, निकी जाती है पश्चिम की ओर, ये हमारा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, यहां से चलना है हमको इस पॉइंट से, ये डायरेक्शन होता है, निकी चली पश्चिम की ओर, ये पश्चिम होता है, पश्चिम में 5 किलोमीटर चल गई, उसके बाद कहता है और दाएं मुड़ती है, यहां से दाएं मुड़ेगी तो ऊपर की ओर जाएगी, दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर चल गई, इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है, फिर वह किधर मुड़ती है दाएं ही, और चलती है 2 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ गई 2 किलोमीटर चल गई, ये हो गया 2 किलोमीटर, क्योंकि ये 5 है ये 2 है तो उससे कम ही होगा, फिर वह दाएं मुड़ती, यहां से फिर वह दाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, यहां से फिर दाएं मुड़ी 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर यहां आ जाएगा, ये भी 1 हो गया। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु यहां पर है आपका, यहां से यहां का डिस्टेंस पूछ रहा है, आप जानते हैं यहां से यहां टोटल आपका 5 है और ये आपका 2 है, तो ये भी आपका 2 होगा, 5 में 2 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 3 km, और इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया विकल्प डी इज द राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन था ये अंतिम सवाल, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और अंत में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है आपका हेल्पलाइन नंबर है, और इस नंबर पे आप किसी भी तरह का समस्या हो अग्निवीर वायु के फॉर्म फिलअप करने में, या फिर उसके बारे में जानकारी लेने में, या फिर एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस के और किसी तरह की जानकारी लेना हो, आप इस फ़ोन के नंबर पर डायल करके
अपनी जानकारी ले सकते हैं और अपनी जानकारी को तृप्त कीजिए और ज्ञान को बढ़ाइए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। इसी कामना के साथ जय हिंद।